डॉक्टर मिश्रा के पास आऊंगा। सर, अगर हम इसी स्पीड से कोरोना का डोज देंगे तो 17 साल लगेंगे। वेयर आर वी हेडिंग सर, कहां गड़बड़ हो रही है? नहीं, अभी के लोग भी तो नहीं आ रहे हैं ना, अब वैक्सीन तो उपलब्ध है, अब लोग आगे आ नहीं रहे हैं। जिस जहां पे मैं जाता वहां पे कभी किसी दिन 100 हो रहा है, किसी दिन 250 हो रहा है, किसी दिन 300, तो अब लोगों को भी तो आना पड़ेगा। और ये देखिए, आप जबरदस्ती तो कर नहीं सकते किसी की, तो ये भी समझना, अगर लोग ही इस पर पीछे हाथ खींच लेंगे, पैर खींच लेंगे अपने, तो फिर उसमें वैक्सीन उपलब्ध भी है फिर भी नहीं लग रही है। और ये अमेरिका में भी हो रहा है, वहां पे भी कोई 10% पॉपुलेशन को अभी लगी है, जैसा डॉक्टर कॉल बता रहे हैं। और उसके अलावा आप ये भी समझिए कि सारे लोगों को जिनको वैक्सीन लग रही है, तो वो इफेक्टिवनेस का भी इश्यू है एट द एंड ऑफ द बोथ द डोजेस, और जितना भी 6 हफ्ते वेट कर लिया, क्योंकि ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है। इफेक्टिवनेस तो जितनी क्लेम कर रहे थे एफिकेसी, उससे और कम होनी है। तो इसलिए जो बचाव के उपाय हैं उस पे तो फोकस करना है। दूसरे जो महाराष्ट्र में क्लस्टर्स आए हैं, क्लस्टर्स में जरूर वो टीकाकरण अभियान को तेज करना चाहिए, जिससे कम से कम अब इस समय लगवा भी लेंगे लोग, जब संक्रमण बढ़ रहा है तो लोग भी लगवा लेंगे। तो ये भी थोड़ी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट टेकन। कुमार कुंदन, क्या प्लानिंग है, वैक्सीनेशन कैसे तेज किया जाएगा, व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? देखिए, इसमें 2-3 तरह की प्लानिंग की बात हो रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री पॉलिटिकल पार्टीज को भी कह रही है कि आप अपने अपने स्तर पर लोगों को मोटिवेट करें। जहाँ तक मेरी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी ने तो इसके लिए बाकायदा एक्सेल बना दिया है, जो घर घर जाकर लोगों को मोटिवेट करने की बात कर रही है। इसके अलावे अलग अलग मंचों से, चाहे वो TV हो या फिर रेडियो हो या अखबार हो, उसके माध्यम से भी वैक्सीनेशन को ज़्यादा जागरूक बनाने की बात की जा रही है। बड़े बड़े लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए जो है प्रोत्साहित करें। लेकिन इन सब के बीच लोगों को भी समझना होगा कि क्यों उनके लिए वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार जब वायल खुलता है तो उससे 10 लोगों को पड़ता है, और अगर 4 लोग ही पहुंचे। अब मैं केस स्टडी लेके आ रहा हूं, मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर अरविंद, मैं बहुत संक्षेप में आपसे रिएक्शन लूंगा, क्योंकि सर मुझे बहुत सारी केस स्टडीज यहां पर और भी डिस्कस करनी है। सर, मैं अपने घर का एक एग्जाम्पल आपसे मैंने कोट किया था, और डॉक्टर मिश्रा ने जो कहा उसी में थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। मेरी माता जी, बिकॉज ऑफ समथिंग विच हैपेंड इन आवर हाउस, हम वो अभी वैक्सीन को लेकर असमंजस में है कि वो लगवाएं या ना लगवाएं। मुझे अपनी माता जी की चिंता है और मैं चाहता हूं कि मुझे वैक्सीन लग जाए, मुझे वो असमंजस नहीं है मेरे मन में। लेकिन मेरी उम्र 45 साल से कम है। अब एक ही घर में 2 टाइप के लोग हैं, एक तैयार है दूसरा तैयार नहीं है, लेकिन वो एज बैरियर में नहीं आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये अपने आप में सरकार को इसका एक सलूशन निकालना चाहिए? निशान जी, मैं एग्री करता हूं। पहले तो मैं माता जी का जो भी शंका है जिसके कारण वो नहीं लगवा रही है, उस शंका का निवारण करने की तरफ जाऊंगा। मेरे ख्याल से हम सभी डॉक्टर्स को अब बहुत जोर शोर से वीडियोस के माध्यम से, बातों के माध्यम से, टीवी चैनल्स लिख के, सोशल मीडिया में आपस में बातचीत करने में, लोगों को लिटरली, मतलब मैं फोर्स वर्ड नहीं यूज करूंगा, प्रोत्साहित करना चाहिए कि जाइए लगवाइए, नंबर वन। नंबर टू, मैं अभी पहले भी कहा कि मेरे अब ये समय आ गया है कि ये जो 45 इयर्स प्लस विद कोमॉर्बिडिटी की लेखा हमने खींची है, उसको हम कम करें और इसका एक फ्री मास डिस्ट्रीब्यूशन, आपने कहा 10 करोड़ डोजेजेस सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार हैं, तो उनको हम जल्दी से जल्दी अगर लोगों को लगवा दें तो कोरोना पे हम कहीं फास्टर कंट्रोल पा पाएंगे। सर, अब मैं यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेकर आ रहा हूं। मैं अपने सभी दर्शकों से बोल रहा हूं, ये यहां पर इतने बड़े बड़े जो गेस्ट बैठे हैं, पहले तो इनका टाइम नहीं मिलता है, आपको मैं बता दूं, एंड वी आर वेरी लकी कि हमें ये लोग टाइम देकर आपकी सुविधा के लिए मदद कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।